में सातवें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी के ध्यान की गई तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरों में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ दिया। उसके बाद 2 दिन की ध्यान साधना शुरू कर दी। तो वहीं कई अन्य नेता भी मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन करते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के समापन के 1 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार सुबह अपने परिवार के सदस्यों के साथ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ सुबह करीब 8 बजे मंदिर पहुंचे और वहां आधे घंटे तक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया। वहीं पुजारियों ने उन्हें डायरी, आयुर्वेदिक उत्पान, लड्डू और अन्य सामान भेंट किए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान भी अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना की।